वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटो को ढेर सारा प्यार बड़ों को पैरी पौना जी गाइज अभी 12 बज चुके ऑलमोस्ट और मैं आपको बताती हूँ कि आज हमने थोड़े से और खुराफाती काम करने हैं। वो खुराफाती काम ये है क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि गर्मी एक्चुअल बहुत बढ़ रही है। अरे यार सारी बातें बाद में, पहले हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी 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 बैसाखी। खूब खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, खूब इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और टेंशन को लेट इट गो कीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक होता है। तो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। वो आपने वैसे आप लोग अभी शायद इंस्टाग्राम मेरा देखते नहीं हैं, बट अगर आप देखें तो उसमें मैं अपने वो थॉट्स डालती हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू बी नेगेटिव, पॉजिटिव वाइब्स। तो पॉजिटिव वाइब्स को हमेशा अपने आसपास रखें, कुछ भी हो अच्छा सोचिए अच्छा ही होगा। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बैसाखी वंस अगैन मेरे पूरे परिवार की तरफ से। चलिए अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं आपको ये बताने लगी थी कि क्योंकि हमने रात को एसी ऑन किया, अब एसी ऑन करने की वजह से ऊपर आंटी की कंप्लेंट आई कि ऊपर बहुत गर्मी हो जाती है क्योंकि कंप्रेशर जो हवा फेंकता है गर्मी की वो ऊपर जाती है। तो हमने एक सोल्यूशन निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए, यहाँ पर हम कर्टेन लगवा देंगे पूरा इधर से लेकर यहाँ तक, और ये एग्जॉस्ट मैं इधर से इधर करवा दूंगी। तो जब यहाँ पर पूरा हाइट से कर्टेन लग जाए, जो भी प्रॉब्लम है मतलब हीट जाने के ऊपर या जो भी प्रॉब्लम होती है उनको एसी चलने के बाद, वो नहीं होगी। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो अब हम देखते हैं, मैंने बुलाया है कोई आता है। तो कर्टेन मेरे पास है, सिर्फ तार लगानी है ड्रिल मशीन से होल करने के बाद, और वो तार लगते ही कर्टेन लग जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। एक काम है, एसी की सर्विस वाले का कॉल आया था बट मैं घर पे थी नहीं, तो मैंने अब उनको बोला कि आप शाम तक आइए, तो शाम को वो आएंगे तो अंदर वाले कमरे का एसी हम सर्विस करवाएंगे। तो बाहर वाले का तो मैंने कल ही वो जाली वाली निकाल के झाड़ वाड़ करके साफ़ कर दिया क्योंकि रात को मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी और मैं नहाने जाने लगी थी। मैंने कहा नहीं यार पहले देखती हूँ अगर एसी चलता है तो, बट चल पड़ा तो बस हो गया काम। चलिए हम करते हैं अपना काम फटाफट क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाना है। तो चलिए फटाफट निपटते हैं। गाइस ये देखिए मैं अंधेरे में ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि हमारे पूरे घर की लाइट शॉर्ट हो गई है और मुझे मेरी सिस्टर के यहाँ जाना था, वहाँ पे हवन था आज जिया जी का वरीना और मैं नहीं जा पा रही अभी तक और 1:30 बज गया है। मैंने अभी कॉल किया है कि ऐसे ऐसे घर की पूरी लाइट शॉर्ट हो गई है और गर्मी बहुत है तो बस अभी इन्वर्टर ही चल रहा है, तो लाइट ठीक कराना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी अर्जेंट क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इलेक्ट्रिशियन आया और अपना काम कर रहा है, तो अब जब लाइटें आएंगी पूरी कनेक्शन सारा ठीक होगा तो उसके बाद ही मैं जा पाऊँगी। पूरे घर में अंधेरा हुआ पड़ा है तो बस अभी हमने पंखा ही चलाया हुआ है ताकि इन्वर्टर जितनी देर हो सके चला सके। ये देखिए गाइस बाहर बिजली का काम चल रहा है और कर्टन लगाया जा रहा है। A few moments later. मैं आपको मॉर्निंग में मिली थी जब बिजली वाला आया था और सारा वो घर की लाइटिंग कर रहा था, मुझे बहुत लेट हो गया और मैं अपने सिस्टर के घर सबसे लेट पहुंची आज, सबसे लेट। सब खाना वाना भी खा चुके थे तो मैंने बाद में सबके बीच में बैठ के अकेले खाना खाया और अब सब मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। तो आज एक्चुअली सब मेरे साथ ब्लॉग में आना चाहते हैं और मैंने आपको बताया कि मैं किसी को फोर्स नहीं करती, जो आना चाहे मोस्ट वेलकम। और आज सारे ठीक मूड में है तो चलिए हम एक बार आज सबको अपने साथ ब्लॉग में लेते हैं। त्रिशिका पहले इससे शुरू करते हैं, ठीक है? मेरी गुल्लू नाम तो बता। ये त्रिशिका, ये मेरी प्यारी सी दीप्ति भांजी, ये मेरा लड्डू प्यारा सा, हेलो बोलो रुद्र रुद्र, और ये हमारे प्यारे से दामाद जी, जय माता दी। और ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारी छोटी, इसको तो आपने देखा मैं बारबी डॉल को शादी में, हाँ तेरा तो मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था, और ये मेरी बड़ी बहन। चलो इनको बहुत सारी ब्लेसिंग हमारी तरफ से, और ये है हमारी दीदी और ये हमारी दीदी। अब मैं आपको व्लॉग में ले रही हूँ ना, सब्सक्राइब कर देना, बता रही हूँ मैं। चलो अब आप सब एक बार मुझे बाय बाय बोल दो, मैं फटाफट निकलूँ। ये हमारे प्यारे जीजा जी जिनके लिए आज हमने हवन रखा था, तो इनके लिए हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, गॉड ब्लेस हिम। गाइस अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि एसी सर्विस वाला भी आ रहा है, उसका फोन आ गया कि मैं पहुँच रहा हूँ, तो मैं भागती हूँ यहाँ से। और फाइनली घर की सारी लाइटिंग ठीक हो गई, 2500 रुपये का मुझे चूना लग गया और लाइटिंग ठीक हो गई। और अभी एसी की सर्विस कैसे हो रही है भैया? ये क्या लगाया आपने? हाँ वीडियो बना रही हूँ मैं, देखो आप कैसे करिए, पहली बार देख रहे हैं ना मैं ऐसे इस तरीके से सर्विस कपड़ा लगा के। हाय तो एसी ना लिया।
गाइज, एसी तो अंदर साफ हो रहा है लेकिन बाहर जो कंप्रेसर साफ हुआ है उसकी वजह से बालकनी की हालत देखिए, जो मुझे भी पूरी क्लीन करनी पड़ेगी। ये देखिए गाइज, ये देखिए बालकनी में जो गंद और कचरा इकट्ठा हो गया है सारा, आप देख रहे हैं ना कितना गंदा पानी निकला है इस कंप्रेशर में से। इस कंप्रेशर की पूरी सफाई हुई, आज ये भी नहाया है फाइनली, तो अब ये पानी रुक गया, आई डोंट नो कहाँ कैसे क्यों। तो अब इसे मैं निकाल के ये डंडा लाई हूँ, इसको मारूंगी कहीं पे, कोई जगह देखकर, कहीं देखते हैं कहाँ से नाली का पानी निकलता है। तो ये सारा जो गंदा कचरे का पानी निकला है ना एसी में से, इसको साफ करते हैं। और अंदर एसी वाले भैया अपना वो निलाने धुलाने का काम कर रहे हैं। सामने आरवी खड़ा हुआ है। आरवी, तेरे तो मज़े आ गए बेटा, सारा दिन वेला, चल तू उधर देखता रहेगी, मैं उधर साफ कर दूँ। वेलकम गाइस, फाइनली अभी फ्री हुई हूँ मैं, टाइम हो रहा है 8:30। एक्चुअली बच्चों को थोड़ा लेट हो गया था पढ़ाने में भी, और एसी की सर्विस वाले आ गए जैसा कि मैंने आपको दिखाया, उनके जाते करते बालकनी सारी साफ करते करते टाइम लग गया, तो ट्यूशन थोड़ा सा 7:30-8 बज गए थे। तो अभी फ्री हुई हूँ, कोई पेरेंट आए थे बात करने के लिए, चलो फिंगर क्रॉस, आप सबका प्यार और आशीर्वाद है कि हमारी गाड़ी थोड़ी सी चल पड़ी है, धीरे धीरे खिसक खिसक के आगे बढ़ रही है। और मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं 2 मिनट बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। अपने लिए मैं बनाने वाली हूँ पटियाला कप चाय का, क्योंकि शाम की चाय मेरी स्किप हो गई, जो मैं कर नहीं सकती, आई एम एडिक्टेड ऑफ दैट, तो एडिक्शन है मुझे चाय का, तो अभी चाय बनाती हूँ। और उसके पहले आपको पता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रूनो को खाना खिलाना, क्योंकि जो खाना मैं उसके लिए रख कर गई थी वो उसने नहीं खाया। अब फाइनली मुझे उसके लिए फ्रेश खाना बनाना है और उसके पीछे भाग भाग कर उसको खिलाना है। तो कितना अच्छा है ना मेरा ब्रूनो, देखो जरा, ये देखो मासूम शक्ल ना तेरी, पोपली सी बकरी जैसी होती जा रही है डॉगी। और गाइज एक बात और मैं आपको बताऊं, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब हमारे कुछ ऐसे अपने हैं जो व्लॉग में आते ही नहीं, मतलब मैं बोलती ही नहीं उनको, मैं नहीं बोलती कि आप व्लॉग में आओ या मेरे साथ वीडियो बनाओ या आपको आना चाहिए या क्या, मैं नहीं बोलती। मैं आपको पता है जो आता है आए, जो नहीं आता आई डोंट केयर, नहीं बोलती मैं। लेकिन आज मुझे जब सबने बोला ना हमारा व्लॉग बना, हमें अपने व्लॉग मिला, हम तेरे सारे व्लॉग देखते हैं, हमें भी लोगों से इंट्रोड्यूस करा, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे बिल्कुल अपनापन सा फील हुआ कि मतलब एक्चुअल में दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे वॉन्ट मी टू कंटिन्यू माई व्लॉग। और इसीलिए कि हमें इंट्रोड्यूस करा, और हम अब जब भी मिलेंगे ना हम व्लॉग बनाएंगे, तब हम हंसते हंसते हुए खुशी खुशी सबसे मिलेंगे। तो चलिए, मैंने अब सबको इन्वाइट किया था कि थोड़ा सा आप लोग टाइम निकल जाए तो आप सब एक दिन बनाओ प्रोग्राम, सब गेट टुगेदर करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। तो मे बी अब देखो कब बनेगा प्रोग्राम, वो तो जब बनता है तब बनता है, सारे अपने बिजी बिजी शेड्यूल में बिजी हैं, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारे एक साथ बोले कि हमें व्लॉग मिलो और सारे व्लॉग में आ गए, तो दैट इज़ व्हाई आई कॉल देम माय फैमिली। जो कर्टेन मैंने लगवाया था मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है लगा हुआ। वेट अ मिनट, ये देखिए गाइज, ये जो मेरी वॉशिंग मशीन के बाहर बेड़ा है, यहाँ पर ये पूरा कर्टेन लगाया जा चुका है और ये पूरा नीचे तक है, तो अब यहाँ से हवा बाहर नहीं जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको और अलग से दिखाती हूँ बाहर की तरफ से, ये देखें, यह हमारा बाहर वाला एरिया है जहाँ पर हमारा फ्रिज रखा हुआ है। तो ये अपना पोर्शन क्रॉस करते ही ये कर्टेन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से पूरा, ये देखिए गाइज। तो अब ऊपर स्टीम जाने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये पूरा वॉल जैसा कवर हो गया, और ये एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सेपरेट दीवार डाल दी गई हो और पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो गया है। गाइज फाइनली आज का दिन हुआ हमारा ख़त्म, और आज का दिन एक्चुअली मेरा थोड़ा हैक्टिक ज़्यादा गया, बट सारा दिन का जो थकावट होती है, अब बस रात को फैमिली के साथ टाइम बिताना, आई लव इट। और एसी कूलर तो आपको पता है सबके घरों में चले गए, अब गर्मी बहुत हो रही है। तो चलिए हम ब्लॉग करते हैं एंड। और आज मैंने खाना बनाया नहीं है क्योंकि दीदी ने पैक कर दिया था प्रसाद के तौर पे सबके लिए, सबको पैक करके दिया, तो मुझे बनाना ही नहीं पड़ा, तो मज़े ही आ गया आज। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को और पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए कल हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।